एक सवाल आया हमारे पास #ClickBusChatter ट्विटर पर, हमसे पूछ रहे हैं शशांत, वो कह रहे हैं कि कितनी देर और इंतजार करें रोहित के पहले ओवरसीज सेंचुरी और कोहली के 71वें इंटरनेशनल सेंचुरी के लिए। वो कह रहे हैं कि ये तो अब ऐसा लग रहा है लंबा ही होता जा रहा है इंतजार, दोनों इतने बेहतर लग रहे थे लेकिन जब एक सेंचुरी नहीं आती तो इंडियन फैन का दिल बहुत दुखता है। सही, देखो ये आंकड़े तो बनते ही रहते हैं मैं ऐसे समझता हूँ, और अभी नहीं तो अगले इसमें बनेंगे, लेकिन लेकिन अगर आप दोनों से पूछो रोहित और विराट से, तो जो एक टीम के लिए जो आज रिक्वायरमेंट थी ना, उन पैसेज ऑफ प्ले में, उस सिचुएशंस में, मुझे लगता है कि दोनों अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से बहुत जरूर सेटिस्फाइड होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप देखिए, एक तो होता है आपके पर्सनल माइलस्टोन्स और दूसरा आपको देखना होता है कि गेम, आप गेम पे कैसे इंपैक्ट ला रहे हो। तो इस मैच में मैं समझता हूँ पहले सेशन में इतना आसान नहीं था, तो आपके दोनों सलामी बल्लेबाज ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि केएल राहुल ने शतक जरूर लगाया लेकिन रोहित शर्मा ने भी 83 रन की पारी खेली है, और शुरुआती समय में वो एक अग्रेसर थे उस पार्टनरशिप में। तो अगर इस तरीके से आप अगर देखोगे तो वो अपने पारी से खुश हो गया। पर्सनल माइलस्टोन को अगर आप देखोगे तो जरूर नाराज हो गए, क्योंकि लॉर्ड्स जैसा मैदान, आप हमेशा बात होती है कि दिग्गज खिलाड़ी वहां पे जाके 100 रन लगाते हैं, फिर आपका नाम बोर्ड पे आता है और वो बोर्ड पे काफी बड़े बड़े नाम वहां पर शामिल है। अब बहुत से बड़े नाम मिसिंग भी है, एक ये मैदान जाना जाता है कि एंड्स ऑफ द गेम वहां पे सैकड़ा नहीं लगा पाए, तो उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि आप आज अगर इंडियन टीम के हिसाब से देखोगे आज की पोजीशन कहाँ पे है टीम, तो बहुत ही पूरी टीम, पूरा खेमा, मैं समझता हूँ कि बहुत आज खुश होगा अपने टीम के परफॉर्मेंस से।